प्रभात प्रकाशन द्वारा 24वें कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध लेखक श्री ऋषिराज की कारगिल बलिदान और वीरता की गाथा, कारगिल युद्ध के नायकों की 14 जीवनी संबंधी चित्रावली अंग्रेजी और हिंदी और कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तकों का विमोचन माननीय श्री अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री के कर कमलों द्वारा एवं ऑनरेबल कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, मेजर जनरल लैन कार्डोजो एसएम रिटायर्ड वरिष्ठ युद्ध अनुभवी, कर्नल वीएन थापर रिटायर्ड फादर ऑफ कैप्टन विजन थापर वीआरसी, मिस नूतन बत्रा सिस्टर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रविवार 23 जुलाई 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ऋषिराज जी का जीवन परिचय। 4 सितंबर 1975 को दिल्ली में जन्मे ऋषिराज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में संयुक्त महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 1994 में भारतीय रेलवे नियुक्ति से भारत भ्रमण की शुरुआत हुई। अभी तक देश के सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूम चुके हैं और वैश्विक तौर पर एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप के कुल 11 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। धार्मिक दृष्टि से वो कैलाश मानसरोवर, 12 ज्योतिर्लिंग एवं चारों धाम की यात्रा भी संपूर्ण कर चुके हैं। ऋषिराज ने अब वर्ष 2012 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के अनुभव पर आधारित कैलाश दर्शन कुछ यादें कुछ बातें ने अपने से अपने लेखन की शुरुआत की। वर्ष 2015 में उनकी पुस्तक अतुल्य भारत की खोज और फिर वर्ष 2017 में देशभक्ति के पावन तीर्थ प्रकाशित हुई और फिर वर्ष 2019 जापान में बिताए दिनों के अनुभव पर पुस्तक आई एक भारतीय की जापान यात्रा। इन सभी पुस्तकों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राहुल सांस्कृति यान पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2022 में कारगिल युद्ध के शहीदों को समर्पित इनकी पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी आई, जिसका लेखन लेखक ने स्वयं 2 बार कारगिल की रणभूमि पर जाकर और कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों से मिलने के बाद किया, जो इस पुस्तक को कारगिल के विषय पर लिखी अन्य पुस्तकों से अलग करती है। वर्ष 2019 में लेखक ने एक नवीन विद्या से बच्चों को राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित करवाने के लिए चित्रावली माध्यम को अपनाया। इस कड़ी में सबसे पहले जलियांवाला बाग कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित हुई सुनो बच्चों जलियांवाला बाग की कहानी और फिर वर्ष 2022 में कारगिल युद्ध के योद्धाओं के जीवन गाथा को दर्शाती 7 चित्रावलियों का अभिलेखन किया। विद्यालयों में इन चित्रावलियों का काफी सराहना मिली और अब इन सभी चित्रावलियों को अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध करवाया गया है। ऋषिराज जी की सभी 25 रचनाएं अमेजन एवं फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऋषिराज अभी तक देशभक्ति व भारत के प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी करीब 218 लघु फिल्मों का भी निर्माण कर चुके हैं, जो इनके यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि पर उपलब्ध है। उन्होंने समाज का बहुत लोकप्रिय स्थान बनाया है और वे रक्षा विषयों को लेकर बहुत सजग और समर्पित रहते हैं। केवल एक मंत्री होने के नाते नहीं, उनके मन में सचमुच बड़ी श्रद्धा और सम्मान है। अभी हमने केवल विपिन रावत पर पुस्तक प्रकाशित की है, उसका भी लोकार्पण आदरणीय अजय जी भट्ट ने किया था। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए हमें संबोधित करें। आदरणीय अजय भट्ट जी, भारत माता की, भारत माता की। आज इस गरिमामयी, इसको हम
सम्मान समारोह ही कहते हैं, हमारे वीरों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और इस गरिमा को देने के लिए हम सबको इकट्ठा जिन्होंने किया है आज, क्योंकि वैसे हम होते तो इकट्ठा नहीं होते। हमारे बीच में आप जानते हैं ऋषिराज जी, अगर आप नहीं कहते तो हम आ भी नहीं सकते थे, जो इन्होंने इतनी अच्छी चित्रण पुस्तिकाएं चित्र कथा छापी और देश के काफी लोगों को पता है लेकिन अभी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। आपाधापी में आदमी रहता है, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, ऐसे अवसरों पर ही हम सबको याद करते हैं। और जो हमारी नई पीढ़ी है कई चीजें उन्हें पता नहीं होती है। अब ये एक तरफ से कहानी टाइप में लगती है लेकिन ये संघर्ष वास्तविक है, सत्य है, यथार्थ है। और हमारे बीच में आज यहां पर प्रभात कुमार जी हैं और साथ में पीयूष जी हैं। ऋषिराज जी को आज पूरे इस कार्यक्रम का आप संयोजक मानिए, संयोजन उन्होंने किया है। और पीबीसी सूबेदार मेजर संजय कुमार जी और मेजर जनरल यान कार्डोजो जी, कर्नल थापर साहब और श्रीमती तृप्ता थापर जी जो हमारे कैप्टन विजयन जी के माता और पिता हैं। हमारे प्रवक्ता भी आज यहाँ पर हैं, आरती सिंह जी आगे बैठे हुए हैं, श्रीमती अलका आहूजा जी बीरनारी, श्रीमती भावना द्विवेदी जी उन्हीं के साथ में यहाँ पर हैं, साथ में हैं, और मुकेश खेत्रपाल जी, आपने भी बहुत सारी बातें और जो अधूरी आपको लगी कि मुझे बात पूरी करनी चाहिए उससे बड़ी प्रेरणादायक बात पूरी करी जो हमारे जनरल साहब ने यहाँ पर बोली थी। हमारे जितने भी शहीद हुए हैं देश की आन बान शान के लिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, विक्रम बत्रा जी, पीवीसी, कैप्टन विजेंद्र थापर जी, कैप्टन मनोज पांडे जी, परमवीर चक्र, वीर चक्र और परमवीर चक्र, कैप्टन सौरभ जी कालिया वीर चक्र, कैप्टन अनुज नायर जी महावीर चक्र, और पीवीसी सूबेदार मेजर संजय कुमार जी हमारे सामने हैं और साथ में पीवीसी कैप्टन योगेंद्र यादव जी भी हमारे आंखों के ही सामने हैं, यानी कि एलआई में। और हमारी बहन जी बीच में बैठी हैं, श्रीमती नूतन बत्रा जी। कुछ नाम इसमें छोटे होंगे जो मैं नोट कर पाया, मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई नाम छोटा हो तो, मैं जितने नोट कर पाया जितना लिखा उतने नाम बोले। और इन परिवारों के लोग, सारे लोग तथा वीर गाथाओं का साक्षात चित्रण जो यहां पर अभी हुआ है वो दिल को हिला देता है और हिम्मत भर देता है और आदमी को जीने की राह देता है। अभी मैं देख रहा था मिसेज बत्रा जब बोल रही थी, बेटा तो बेटा होता है जब जाता है, और बत्रा साहब बोल रहे थे, बहन जी बोल रही थी, हमारे जनरल साहब बोले, उन्होंने जो कहानी करी तो आपने खेत्रपाल जी ने पूरी करी, बहन जी द्विवेदी जी आई और आप सब जानते हैं अलका आहूजा जी थी। मैं अंतर्वेदना को सबकी समझता हूं लेकिन जो वीरता त्याग और उसके बाद भी हृदय बिल्कुल देश प्रेम से भरा हुआ, आप कहते हैं पुत्र शोक से बड़ा शोक नहीं होता है, लेकिन देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुए हैं। मौत तो सबकी आती है, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन, सब तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन इस तरह की शान और इस तरह से याद किया जाना
कितनी शान की बात है, कितने शान से देखते हैं फलाने शहीद की माता जी, फलाने शहीद की पत्नी, फलाने शहीद की बहन, उनके पिताजी, और क्या सम्मान है। और जहां जहां भी जाते हैं क्लैपिंग होते रहती है। जैसे आपने देखा, आप बाहर विदेशों में जाएंगे, यूएस यूके कहीं भी अगर कोई पहुंच के ड्रेस पहन के आता है, क्लैपिंग करते हैं, एकदम ट्रेन में भी खड़े हो जाते हैं। हमारे वहां भी कोई ड्रेस पहन के आता है, मैं हर सबसे पहले एनसीसी के बच्चों को देखता हूं, सब जगह पूछता हूं, जब निकलते हो शीशे के आगे खड़े होके कैसे देखते हो, सैल्यूट कैसे करते हो। एनसीसी का मैं भी तीसरे नंबर का एलुमनाई हूं, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे राजनाथ सिंह जी, तीसरा मैं। तो हम ऐसे जमाने में थे जब प्रेस नहीं होती थी, प्रेस करने के लिए कपड़े को करण तकिए के नीचे रखा या फिर लोटे में गर्म पानी डाला, यूं मुझे आज भी याद आता है, और जूते को यूं रगड़ के तेल लगाते थे लाल, टैक अपना गए, तीन चार बार घर में प्रैक्टिस करके जाते थे। हालांकि मैं नहीं जा पाया, आर्मी में कई परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, लेकिन मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारियों में, खुद मेरा सनी लॉ जो है वो आर्मी में अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है, और दो मेरे भतीजे हैं, एक बहू है आरआर में डॉक्टर है और उसका हस्बैंड भी यही है, दो मेरे भाई रिटायरमेंट होके आगे, एक मेरे वाइफ का भाई है वो ब्रिगेडियर से हुआ, वो अभी डीसी सती, कई लोग जानते भी होंगे, उन्होंने अपना पूरा जीवन दान दे दिया है, ब्रह्म कुमारी, आप जानते हैं इसका मतलब, ब्रह्म कुमारी को दे दिया है। तो कई लोगों ने कहा शादी कर, उसने अपनी नौकरी रिटायरमेंट हुआ तो ब्रह्म कुमारी में ही रह गया, वहीं फ्लैट लेके जीवन अपना कुछ देख रहे हैं वहां आजकल। तो इस तरह से मैं, मेरा विशेष लगन रहता है ईश्वर ने, मैंने कहा ना एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन। देखिए मुझे कैसा बनाया, एमओएस डिफेंस में अभी मैं यही गया, वैसे नहीं आ पाया तो वैसे आया। मैं अभी ओमला गया था चाइना बॉर्डर, तवांग गया था और नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल बॉर्डर पर गया था, कई हिंटरलाइन, कश्मीर में गया था। ये मेरा शौक है घूमने का कि मैं देखूं जहां पर हमारे जवानों ने आन बान शान के लिए देश पर कुर्बानी दी वो कैसे स्थान है। मेरा बीपी बहुत गिर गया था वहां, मैं जोश में आ गया। हमारे साथ हमारे जो आज थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे जी कमांडेंट थे उस समय वहां के, हम गए, मुझे एक ने नीचे कहा था कि आप ऊपर चढ़ेंगे एक तो हल्के चलना और बोलना कम, लेकिन मेरा भाषण रखा, आप तो जानते हैं नेता लोग होते हैं तो बोलते रहते हैं, और देखा जवान आगे खड़े हैं जोश से आगे और सामने चाइनीज थे, उनका बंगला दिख रहा था, लगा कि घुस जाओ भी देखी जाएगी। और जब हम इधर आए, आने के बाद मुझसे उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा जवान अगर जय जय कहें तो आपको कोई इतराज तो नहीं। हम इंडोर बैठक से बाहर निकलते समय, क्योंकि हमको दूसरे कैमरे दिख रहे थे जहां के भी हैं, बोलना उचित नहीं, तो वहां पर गए तो किया, तो मैं भी जोर आया और जोर से हाथ उठ गया, नारे लगाने की आदत तो थी, दिल फड़क रहा था अंदर से, क्या कर दूं अभी ऐसा लग रहा था, हालांकि कर नहीं सकते थे, हमारी लिमिट्स थी। और उसके बाद मेरा बीपी बड़ा कम आ गया, सबको डाउट ये था कि कोई क्लॉट आ गया मेरे, आया नहीं, मैं फिर इलाज चला यहाँ रातों रात, मुझे उठाया गया वहां से, फिर आसाम लाए, आसाम से यहाँ लाए, और उसमें मैंने एक दवा खा रहा था मैं शुगर की, डॉक्टर ने पूछा कैसे लेते, मैंने कहा स्वयं ही ले लिया, हल्का सा हो रहा था आयुर्वेद की, उससे मेरा स्टेरॉइड बनना बंद कर दिया था, उनका तत्काल रोक दीजिए, ईश्वर की कृपा है ठीक हो गए। और एक घटना और है, मैं 71 की लड़ाई के बारे में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहां कोई मिश्रा है वो दो बार विधायक रहे, कोई इधर साइड से महाबल मिश्रा दो बार विधायक रहे, वो नहीं मिश्रा है कुछ और है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी पत्नी भी हमारी कार्यकर्ता है, ये कहीं नीचे रहते हैं, इधर दिल्ली में ही रहते हैं, मैं नाम भूल गया उनका, नहीं मैं अभी
जो दिल्ली बुराड़ी साइड में। अच्छा अजय 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 सॉरी अनिल झा। तो वो घर आए थे तो वो किताब देखे गए मुझे 71 में। तो मैं पढ़ रहा था 71 में, मेरा भी शौक है पढ़ने का, कारगिल वगैरह सारे जवानों के बारे में। और जब पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह आया था, आज वो मुझे साक्षात दिख गए। मैंने अभी आपसे कहा कि वो आप ही हैं। मैंने कहा ना पूर्व निर्धारित है, मुझे तो आना नहीं था, लेकिन इतनी विभूतियां, इतनी वीर नारियां, ऐसे माता पिता, ऐसे लोग, और जो अलाइव हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला, और आप ऋषि जी जैसे, आप और आप सभी लोग जितने आए पीयूष जी, सब लोगों के दर्शन होने होंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा जनरल साहब से कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, और मेरे दिमाग में बार बार कौनता था यार, वो व्यक्ति कैसा होगा जिन्होंने अपने पैर को ही काट डाला उस समय, और दुश्मन को मार डाला, दुश्मन पर बिल्कुल, पर फिर भी अपने को रोका नहीं। और कभी कभी ईश्वर ऐसे सहयोग देता है कि आज मुझे साक्षात मुलाकात हो गई। मन में भाव आता था वो है या नहीं है, है या नहीं है, बट ही इज वेरी यंग, कहते हैं 86 बोला, 86 के यंग मैन। और जब बोल रहे थे अंदर से फड़फड़ फड़फड़ हो रही थी, जैसे होता है ना अंदर धक 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 होती है, इंजन चलता है ये फड़कता है, तो जब आप बोल रहे थे अंग्रेजी में हम समझ रहे थे, तो लग रहा था क्या है जिंदगी, ये जिंदगी है देश के लिए। और बत्रा साहब जब बोल रहे थे कोई सिकन नहीं, जो सिकन है अंदर है, देश के लिए कुर्बान हुआ। और जब बहन जी बोल रही थी मैं समझ सकता हूं मां क्या होती है, कोई सिकन नहीं, देश के लिए पुत्र बलिदान हुआ। कितनी बड़ी बात है, आपका अकेला पुत्र नहीं, बहन जी का अकेला भाई नहीं, और वो आज हम सबके भाई और हमारे सीनियर लोगों के पुत्र हैं, भारत मां के पुत्र हो गए हैं आज। अभी 26 तारीख को कारगिल दिवस आ रहा है, उस दिन माननीय रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं कारगिल, और मेरी ड्यूटी लगी है जय जवान ज्योति पर, जहां अभी जिक्र आया था आपका, उस पर मैं रहूंगा उस दिन। मुझे आदेश हुआ है कि आप यही रहना। मैं खुद कारगिल गया था, उससे पहले मैं लद्दाख गया था, तो वहां भी मैं बिना एकल मटा इसके चले गया। अब वो नया नया जोश है देख लेते करके, वहां भी रात को सोया, थोड़ी घूमा, और मैं सीधे चले गया वहां से पेंगोंग लेक। उसी दिन यहां से गए और कहा ले चलो, और चुसूल में जाके उन्होंने ब्रीफिंग दी, सामने चाइना, वो उनका मकान दिख रहा, ये हुआ था ये हुआ था, तो ऑक्सीजन कम आ गई, क्या लगे सर स्टॉप करिए आपका ऑक्सीजन कम आ रहा है। मैंने कहा नो, आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैर काटे हैं, मैं हर बार बोलता हूं भाषणों में बोलता हूं इस बात को, लोग ऐसे हैं उनको पता है आगे से कि सामने मौत भी आएगी, डर नहीं। हमारे जो बीच में बैठे हैं, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था संजय जी, और वो फायर पकड़ के मोड़ के उनके अंदर डाल के, एक मिनट की फायरिंग पर जान का खतरा था, उजाला भी हो गया था, एक मिनट जैसे ही कोई वो मारते थे उसके धुएं को या जो भी होता होगा उसमें पार करना था, एक बंकर मारा, दूसरा बंकर मारा, तोड़ते तोड़ते अंदर घुस गए, भारत माता की जय करके झंडा फहरा दिया। मैं इसमें पढ़ रहा था आपके बारे में, वैसे ही हमारे शहीद जितने भी हुए हैं इनके बारे में एक एक करके मैंने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है, विक्रम जी और आपके कैप्टन विजेंद्र जी, मनोज पांडे जी, सौरभ जी, अनुज जी, अगर देखेंगे तो सचमुच जो किया वो विश्वास नहीं कर सकते हैं लोग। जैसे योगेंद्र यादव को एक बार बुलाया था, माननीय आर एफ साहब भी थे, हम भी थे लेक्चर देने के लिए, वैसे मैं संजय जी से भी कहूंगा आप जाते हैं, लेकिन देश भर के यूनिवर्सिटीज में इंटर कॉलेजेस में जाना चाहिए आपको। मैं तो कहा, मैंने कहा आह्वान किया कि, और बुलाते भी हैं आप लोगों को, कि नए जवान जितने भी हैं वो बैठने वाले नहीं है, वो तो सुन सुन के
प्रेरणा लेकर आर्मी में जाने के लिए तैयार होंगे। उनको भी छलनी कर दिया था सब जगह से, आपके यादव जी को। और आपको पता होगा कि 5 पैसे के सिक्के ने बचा दिया, जब यहां गोली मारी तो सिक्का लग गया था, कम लोगों को पता है। यहां पर सिक्का लगा ऐसा है उसकी जानकारी में कि सिक्के पर ही वो गोली अटक गई या फिर अंदर नहीं मार पाई और ये हाथ पैर सब खत्म हो गए थे। रमेश जी ऐसे है जहां तक मेरा ख्याल है, जैसे आपका रहा वैसे। तो उसके बाद से जैसे अवसर मिला फिर एक ग्रेनेड मार दिया, फिर उन्होंने मारा, वह वहीं से कहानी शुरू हो गई। आप तो जो है अभी जीवित हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 71 के भी हमारे हीरो जनरल साहब भी हमारे बीच में आप हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कारगिल गया था, मैंने बताया कि लद्दाख में जब मेरी ऑक्सीजन कम आ गई मैं वापस आया, आर्मी के डॉक्टर आया, उनका सर मैंने कहा मैं तो कल कारगिल जाऊंगा, कह लगे सर नो सर आई विल नॉट अलाउ यू। मैंने कहा व्हाई व्हाट हैपेंड, कह लगे नहीं सर कुछ भी हो जाएगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ऑक्सीजन जा रही। मैंने कहा अच्छा, लोगों ने 71 में अपना पैर काट दिया और हाथ लटकते रहा है और उसको किसी ने बेल्ट में बांधा, किसी ने कैसे बांधा, दूसरे हाथ से मारते रहे हैं, क्या है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन लगाएंगे। मैं कारगिल चले गया, मैंने कहा रात में थोड़ी लेविंग पर लिया बस, और सुबह ठीक हुआ। मैंने कहा मार्च चलो, कारगिल गया मैं, पूरा दिन रहा, मेरा मन हुआ कि ऊपर चले, सेंडो टॉप है सर वहां, सेंडो टॉप, तो मैंने कहा वहां जाते हैं। तो वहां जीओसी जो थे उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा सर वहां ऐसा है कि अकेला जा सकता आदमी, हेलीकॉप्टर में एक ही जाएगा पायलट के साथ। मैंने कहा आप, उन्होंने कहा मैं दूसरे हेलीकॉप्टर से आऊंगा, साथ नहीं बैठ सकते। ऊपर गए टॉप में, वो जलेबी खिलाई लोगों ने अपने हाथ से बनी हुई, और फुहार चल रही थी बारिश की, हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। मैं जब वहां गया मैंने बाहर देखा, मैंने कहा रहते कैसे हो, उनका सब यहां सब बंदोबस्त है, ये बंकर है और वो जो बंदूक बाहर पे है सामने से उनकी भी बंदूक हो सकती है कहीं से। तो मैंने कहा वो ऊपर टॉप, उन्होंने कहा वही तो है टाइगर हिल। मैंने कहा वहां चलना है, उनका सब वहां हेलीकॉप्टर का कोई जगह नहीं है रुकने, वहां नहीं रह सकते हैं। वहां तक चढ़े, फिर आपके जीओसी आए, दोबारा मैं गया और करीब मैं 25 मिनट रहा, एक एक बात सुनी, और जब जयकारे लगा रहे थे तो पूरा हिल गया उधर जोश से। मैंने कहा टेलीफोन पर कैसे बात होती, घर भर की याद, उन्होंने कहा आती है रखा है यहां सब नीचे वाले से कर लेते हैं। तो क्या जीवन है, हंसते रहते हैं, कठिन परिस्थिति हो चाहे कुछ भी हो, आंधी हो या तूफान कहते हैं जैसे हम, उस टाइप से हमारे जवान हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। जो शहीदों ने अपनी शहादत दी है उनको कभी भूल नहीं सकता है देश। आपने देख तो लिया है जिसके बारे में अभी आपने बोला था, शहर आपने बोला था मिसेज बत्रा ने जय जवान ज्योति के बारे में, किन्होंने बोला, सॉरी थापर, थापर आपने बोला था ना, हाँ मुझे ध्यान है वहां बोला था। आज देखिए कि आप कोई भी शहीद है वो वहीं से अपने सारे शहीदों को उनको वहां ले सकता है, दे सकता है श्रद्धांजलि, जहां बैठा है वहां से दे सकता है। ऐसा डिजिटल हमने वहां पर ऐप डेवलप कर दिया है और उसको बनाने में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा है जो कुछ भी नहीं है शहादत के सामने, लेकिन वो पहले से जैसे था उसका कई गुना आज अच्छा कर दिया है हर जगह पर। उसकी आन बान शान के लिए आपने देखा ही होगा, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और देश के अन्य लोग, सभी डिग्निटरी, तीनों सर्विसेज के चीफ, अब तो हमारे CDS हो गए हैं, CDS, सारे के सारे लोग श्रद्धांजलि के लिए जाते हैं और अमर हैं। अब अमर है क्योंकि मैंने कहा ना मौत तो एक ने एक दिन आती है। तू लाख कमा ले हीरा मोती, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती, कोई हो जाए चाहे हमें या कोई और हो, लेकिन ये मौत नहीं है, ये शहादत है, शहीदी है, जो जिनको भूल ही नहीं सकते हैं। हमारा शरीर चले जाएगा, जन्म देने वाली माता का पिता का शरीर चले जाएगा एक दिन, क्योंकि आना ही आना है,
लेकिन वो आज हमारी धाती हो गए हैं, वो हमारे लिए सदा सदा के लिए हमारे पुत्र हमारे भाई हो गए हैं, हमारे बेटे हो गए हैं, वो देश की संपत्ति है, आज देश की लटीपटी है। अब जन्म जरूर दिया माता पिता ने, पत्नी ने साथ जरूर निभाया, लेकिन हम गए तो भी उनका इसी तरह से सम्मान होगा जो आज के दिन हो रहा। हमेशा हमेशा जब तक देश रहेगा तब तक ये सम्मानित होंगे, ये देश की प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं हमारे जो वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने शहादत दी है, उन माता और उन पिताजी को, उन बहन जी को और उन वीर नारियों को, अपनी बहनों को, और जो जीवित हैं इस समय भी जो प्रेरणा दे रहे हैं कि देश के लिए समर्पण क्या होता है, देश के लिए त्याग करना क्या होता है, और कितनी कठिन परिस्थिति चाहे आई हो हंसते हंसते हमने उसको पार किया है। और जब दुश्मन हमारे पर टूटने की तैयारी कर रहा था, अपना झंडा फहराना चाह रहा था, मोतोड़ जवाब देके हमने तिरंगा फहरा के इतिहास कायम किया है। आज जीवित होकर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी आपने देखा, चाहे हमारे यहां पर जनरल साहब हो या फिर संजय कुमार जी, दोनों ने जो बातें बताई वो सुनने लायक है। मैं तो कहता हूं बच्चों के लिए जगह जगह ऐसे कैंप भी लगे, कोशिश कर रहे हैं हम, देखें क्या होता है, और उसमें जाके आपको वहां ले जाके, आपको वहां ले जाके, सारे लोगों को ले जाके एक प्रेरणा आइकॉन, आप हमारे लिए अब आदर्श हो गए हैं, देश के लिए आदर्श है, इसका लाभ देश को मिलना चाहिए। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। वास्तव में मैं आ नहीं सकता था, कल आर्मी के ही कई काम थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है, 7वां चक्र उसका कल था। इत्तेफाक से मुझे उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून में वो बांटने का मौका मिला नियुक्तियां, और उसके बाद मुझे नैनीताल जिले में, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे उसमें अवश्य ही जाना था, मैं चले भी गया। रात में लेट आवर्स में जहाज से यहां आया, और सुबह में 4 बजे उठ के 6 बजे की ट्रेन पकड़ के भी चले गया। इत्तेफाक ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां आना था आज कोई बैठक में, तो मैंने कहा मेरी ट्रेन तो शाम 9 बजे की है, जाना तो मुझे भी था। 2 आइटम है मेरे, एक तो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो किताबें छप रही है बहुत ही वो ऐतिहासिक है, वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो उन्होंने कहा वैसे मैं एक को कम कर देता हूं, आप चलिए मेरे संग। एक नीचे उतरे, मैं उनकी जगह बैठा, ठीक समय पर आ गया, हमने आपको आते ही फोन किया। मैंने तभी कहा ना कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्ट टाइम, सब पूर्व निर्धारित है। ईश्वर ने कहा होगा कि आप दर्शन करो बेटा, इतनी महान विभूतियां आज यहां पर हैं, इतने त्यागी लोग ऐसे हैं, इतने बलिदानी परिवार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के खातिर सब कुछ सहा है, लेकिन हंसते हंसते सहा है। हमारे वहां कहते हैं ना, छाती पर पत्थर रखा लेकिन कहीं झुके नहीं, कहा ठीक है। इतिहास में कई बार ऐसी बातें आती हैं कि कई माताओं ने यह भी कहा कि मुझे कष्ट यह है कि मेरा एक ही बेटा है, एक और होता तो देश तक और बलिदान कर देती मैं, इसलिए मेरे आंसू आ रहे हैं। इतिहास में कई लोग ऐसे पन्ने आते हैं, तो इसलिए मुझे भी आपके दर्शन करने होंगे। तब मैं वास्तव में यहां आज करीब करीब 2-3 घंटे पहले आके, आते ही मैंने कहा कि आपको बताओ ऋषि जी को कि भाई हम आएंगे उसमें। मैंने कल तो कह दिया था कि जनरल साहब हैं, सीनियर साहब कोई भी होंगे उनसे इनॉग्रेशन करवाओ और मेरी तरफ से माफी मांग दो। अब ईश्वर ने कहा होगा बेटा भाग, जात वात देखी जाएगी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि सीएम भी यहां आ रहे हैं। कहा नहीं भाई साहब, आपके लिए सीट छोड़। तब आज मुझे इतने अच्छे लोगों के दर्शन हो रहे हैं, और सच में गदगद हो गया, और जिस तरह ताली बजा रहे थे सब,
हमारी बहनें और हमारे सीनियर लोग जब यहाँ बोलने आ रहे थे, श्रद्धा सुमन में श्रद्धा सुमन उनको भी अर्पित हो रहे थे कि सब खड़े हो रहे थे, इतनी श्रद्धा यहाँ से डाइस खड़ी हो रही थी और तालियों की गड़गड़ाहट जैसी थी जैसे दिल को कह रही होगी जाग 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 जाग, टक 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 टक, इतनी तेज आपकी तालियां थी जो उत्साह वर्धन करती है। इसलिए इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपने जो ऋषि जी हैं आपके संयोजन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभात कुमार जी, पीयूष जी, आप लोग जो यहाँ आके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, प्रभात प्रकाशन अपना है ना, इतना बड़ा जो आप काम कर रहे हैं, प्रभु आपको शक्ति दे, ताकत दे। और ऋषि जी इसी तरह से हम सबका संयोजन करते रहे। कितना गरिमामयी है, कैसी डिग्निटीज बैठी हुई है, कितने प्रेम भाव से हमने और कितने उत्साहित होकर हम सुन रहे थे एक एक चीज को, एकाग्रता और उसका रसपान बहुत आनंद से हमने किया कि कभी अगर संकट आ जाएगा कि हम भी तैयार हैं, हम है ना, इतना ही कहने से मनोबल बढ़ जाता है, हम है ना। जैसे अगर कोई बीमार होता हॉस्पिटल में, घर से चिल्ला के जाता, डॉक्टर ने हाथ लगाया, अरे बाबा क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा, अच्छा उतने में चिल्लाना बंद हो जाता है, हाँ ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाएंगे, ये मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। जैसे एक उदाहरण मुझे याद आता है, जब कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ ताली बजाओ दिया जलाओ, लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। हम जैसे गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पथ बढ़े चलो, कुछ भी गीत गाते हैं, या आर्मी में भी हमारे अपने अपने गीत होते हैं, या हम देवी माँ को सलाम करते हैं, बोलिए कालिका माता की जय की जय की जय, और ये जय ध्वनिया प्रतिध्वनित होती है तो आदमी का मनोबल बढ़ाती है। कोरोना के काल में जिस तरह मनोबल बढ़ाया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी उस समय, तो इसी तरह से जैसे डॉक्टर बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ाते हैं, आज को जैसे आप लोगों को देखकर नई पीढ़ी तो फड़कने लगेगी जब बोलेंगे तो। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में श्रीमती तृप्ता थापड़ जी थी, जब बोल रही थी मुझे लग रहा था कहीं आंसू टपकेंगे, अभी कुछ मुझे भी, मैं भी भावुक, मैंने कहा कहीं मेरी भी न्याय कहेंगे, रक्षा मंत्री के भी आंसू आ रहे हैं, कैसा है। मैंने रोका, मैंने देखा माता जी ने, बहन जी ने बहुत हिम्मत से बोली, बहन जी दूसरी बहन जी बहुत हिम्मत से बोली, यहां पर नूतन बहन जी, ये प्रेरणा के स्रोत है हमारे लिए। सब कुछ है, कष्ट भी है, लेकिन दूसरों को उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण आदर से प्रस्तुत कर दिया, एक मां ने इस तरह से बोला, एक बहन ने इस तरह से बोला, एक पिता ने इस तरह से बोला, और जो अलाइव है अभी 86 साल के यंग मैन, आपने देखा जिनको जनरल साहब को मैंने कहा यहां कार्डियो ऐसे बोले, और हमारे संजय कुमार जी कैसे बोले, यह हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम स्वीकार कीजिए आप सब लोग, और मैं अपने को यहां पाकर आज बहुत गदगद हूं कि इतना गरिमामयी कार्यक्रम था, इतना अच्छा कार्यक्रम है कि सबके सब लोग एक एक चीज ये समझे, जैसे हम ग्रहण करते हैं कोई कथा सुन के, ये वीर गाथाएं सुनकर जो सत्य है, सत्य सुनकर तो हम धन्य हुए हैं। इतना ही कह के मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए ऋषिराज जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे कहीं भी आप आयोजन करते हैं तो मुझे जरूर बुलाएं, भगवान क्या पता ऐसे ही भेज दे, जैसे आज आपने मुझे नहीं आने का हो गया था, बुलाया लेकिन आ ही गए, क्योंकि आदेश था ऊपर का, बेटा जाना है, एक टलता नहीं। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूं और सबका मैं धन्यवाद करता हूं और सबको यहां आने के लिए अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आपने डिफेंस में जो होता है उसको सुनने के लिए आए और हमें आप लोग बताने के लिए आए, आपने पूरी तरह से अपनी जो वीर गाथाएं वो सुनाई, जो सत्य घटनाएं थी वो सुनाई, जिससे हम सब प्रेरित हुए हैं। प्रभु सबको शक्ति दे और दीर्घायु बनाए और रोग दुख कष्ट इन सब को सहन भी करना पड़े
तो हंसते हंसते हम सहन करेंगे किस किस स्लोगन के साथ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रभु जिस हालत में रखोगे वैसे रहेंगे, पर देश की आन बान शान के लिए कुर्बान भी होना पड़ेगा, हर समय हम कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हार्दिक आभार आदरणीय अजय भट्टी ने, ये बहुत ही हाउस क्षण है। बेसिकली लोग किताब जब कोई बनाते हैं तो कोई 6 महीने लेता है, कोई साल लेता है, कोई 2 साल लेता है। इस किताब पर मैंने लिखा तो मैं उस समय 24 साल का था, मतलब जब 1999 का वॉर हुआ, तो मेरा ख्याल ये पहला ऐसा वॉर था जो हम सब ने अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके देखा। तो उस समय मैं 24 साल का था और मेरा घर भी मेन जीडी रोड पर था उस समय। तो रात को जब हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि भाई लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, और 99 में क्या हुआ था कि मैं अमरनाथ यात्रा की निकल गया था। तो लेकिन अमरनाथ की यात्रा पर जब मैं गया तो उस समय एग्जैक्टली 23 जुलाई 1999 आज ही का दिन था जब मैं अमरनाथ की यात्रा पर, और आज से 3 दिन बाद जो है मतलब की कारगिल विजय दिवस जो हम 26 जुलाई को मनाते हैं, तो उस समय युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और उस समय काफी जो लोग मेरे साथी थे वो द्रास जाने की जिद कर रहे थे, क्योंकि जो बालटाल है, जो अमरनाथ जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि बालटाल जो है, बालटाल से द्रास की दूरी जो है सिर्फ करीब 30-40 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन उस समय कुछ ऐसा सहयोग बन भी पाया और लेकिन मैं प्रण करके गया कि मैं एक बार कारगिल जाऊंगा जरूर, क्योंकि मैंने उन सब जो ट्रक्स उस समय वहां से निकलते थे, और मैं उस समय नॉर्दर्न रेलवे में था, नॉर्दर्न रेलवे में एक हमारा एक मिलिट्री सेक्शन होता है वहां पर, जो हमारा मिल रेल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री की मूवमेंट होती है, सीक्रेट मूवमेंट होती है, और उस रूम में कोई अलाउड नहीं होता जाने के लिए, सिर्फ 4-5 ऑपरेटिंग के ऑफिसर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज रात को जो मिलिट्री स्पेशल जाएगी वो कितने बजे कहाँ से निकलेगी। तो उसमें वो फोर्स की तोपे और जो सारी चीजें ऐसा होता था कि पूरी तरह से कवर्ड होती थी, ऐसे ही बाय रोड हमने ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो कारगिल का जो युद्ध था वो बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में दुश्मन जो है उस सरहद को पार करके आ गया। तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि हमें ये सिर्फ एक जो एस्टिमेट दिया गया हमारे वीर जवानों को कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ थोड़े से मुट्ठी भर कोई आतंकवादी घुसा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनको तो हम हफ्ते भर में खदेड़ देंगे। तो जैसा कि अभी प्रभात जी बोल रहे थे कि भारत की जो भूमि है वो तो वीरों की भूमि है, और जो हमारे सैनिक है वो भी किस मिट्टी से, उन्होंने कोई बात नहीं की, अगर 1000 भी आएंगे तो भी हम खदेड़ के फेंकते हैं। तो जो कारगिल का युद्ध था एक ऐसा युद्ध था जिसपे हमें पता था कि जो दुश्मन है उसकी हमें लोकेशन नहीं पता, एवरीथिंग वाज अननोन, कुछ नहीं पता कि कहां से आ रहा है, कहां से गोली आ रही है, कहां से दुश्मन आ रहा है, कहां से क्या हो रहा है। लेकिन हमारा पूरा जो NH-1D था उसको पूरी तरह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और पहले 15-20 दिन 25 दिन हम नो डाउट हम बैकफुट पर थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ हमारे शूरवीरों का जज्बा था, उन्होंने सीने पर गोली खाते हुए मतलब ये नहीं देखा गोली आ रही है क्या आ रहा है, सीने पर गोली खाई, प्राण देते थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन लेके आ गए कि जून के महीने में हमें पहली सफलता कारगिल के युद्ध में मिली, और ऐसी सफलता मिली कि उसके बाद हमारे वीर जवानों ने पीठ पीछे करके नहीं देखा, मुंह पीछे घुमा के नहीं देखा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मतलब कोई भी जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें जैसे 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, हमें बड़ा कन्वेंशनल टाइप के वॉर्स थे, लेकिन कारगिल वार बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं था। तो उस समय मेरे मन में जज्बा था 99 में कि मैं कारगिल जाऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। उसके बाद मैं 2007 में कारगिल गया, और कारगिल में जब मैंने वहां जाकर वहां की ऊंची चोटियों को देखा, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं आर्मी का गेस्ट था, और मुझे सेंडो टॉप ले जाया गया कारगिल जो पेरो टाइगर हिल का नाम आप सभी ने सुना होगा कि वॉर के बाद टाइगर हिल के सामने व्यूअर्स गैलरी बनाई गई है, जहां पर हर साल
हमारे जो बलिदानी है उनके परिवारों को ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए कैसे इस चोटी पर हमारे वीर जवान चढ़े थे। तो उन सब जगहों पर जाने के बाद जब मैंने ये सारी फीलिंग्स को गैदर किया और उसके बाद मैं फिर दोबारा गया 2018 में, जो मेरे टॉपिक्स रह गए थे, मेरे से जो जगहें छूट गई थी उन सबको स्टडी किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवारों से मिलना शुरू किया कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी उनकी सुध ली जाए। तो इस तरह से ये किताब निकल के आई है। और मेरा ये मानना है कि जीवन जो है वो सिर्फ भाव है। अगर हमारे पास भाव है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं, जीवन शून्य है। और किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि जो हमने मानव जीवन लिया है उसका सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर जो कर्ज है ये कि हमें जो अपनी लेगेसी है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारा धर्म है, उसे हमें अगली जनरेशन को पास ऑन करना है। अगर हम ये पास ऑन नहीं कर पाए तो वी आर अ बिग फेलियर। मैं ऑलरेडी 48 साल का हो चुका हूं और इसी प्रयास में हूं कि किसी तरह से ये लेगेसी पास ऑन होनी चाहिए। उस पर मुझे आप सबकी सहायता चाहिए। मुझे आप सब सहायता करेंगे? यस सर। थोड़ा जोश हमें करेंगे? तो ये सहायता जो है, मेरे सबसे बड़ी सहायता मेरे ये होगी। मुझे वो वक्त याद आता है जब विजयन थापर जो है, जिनके वीर पिताजी और वीर माता जी आज इस सभा में उपस्थित है, मैं इनको दोनों को नमन करता हूँ हृदय से, और इनके लिए एक बार कि 24 साल के विजयन जब लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे तो, और ये मैं बता दूं कि विजयंत जो है वो फोर्थ जनरेशन के आर्मी के थे, मतलब कि इनके पिताजी आर्मी में, करण थापर बैठे हमारे बीच में, इनके पिताजी आर्मी में और उनके भी पिताजी आर्मी में। तो देखिए क्या लगता है, इससे एक बात ये निकल के आती है कि मतलब कि इनको आम आर्मी से ज्यादा पता था कि कितना खतरा आर्मी में लगता है, मतलब कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी कुछ भी लग सकती है। फिर भी इन्होंने चुनाव किया कि नहीं बेटा तुम आर्मी में, और बेटा तो पिताजी से भी दो कदम आगे। जब उन्होंने लास्ट अपने फाइनल असॉल्ट पर जाने लगे, एक को जगह फतेह करके आ चुके थे, दूसरी बार जब वो असॉल्ट के लिए जाने लगे तो उन्होंने एक अपना एक खत लिखा अपने मम्मी पापा को, उसको बोलते द लास्ट लेटर। वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप कभी भी गूगल करेंगे द लास्ट लेटर ऑफ कैप्टन विजयन थापर तो आपको मिल जाए। उस पत्र को पढ़ने के बाद अगर हमारे में भाव है, जैसे मैंने भाव की बात कही, मैं बार बार अंडरलाइन भाव को इसलिए कर रहा हूं कि भाव है तो सब कुछ। अगर हमारे पिताजी के प्रति हमारे मन में भाव है कि नहीं वो बहुत वृद्ध है इनकी सेवा करेंगे तो इट्स गुड। अगर भाव ही नहीं है तो हम पिता को छोड़ देते हैं, ठीक है जाएगी अपने आप जी लेंगे, अनाथ आश्रम चले जाएगी। तो ये सब भावों का खेल। आज हम सब एकत्रित यहाँ पर इसीलिए हुए हैं कि हमारे मन में कहीं ना कहीं भाव है, श्रद्धा है अपने शहीदों के प्रति, अपने देश में उन लोगों के प्रति जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? करेक्ट। तो इस जो ज्योति है, इस जो हमारा लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम, ये आप सबको करना। अगले साल कारगिल के 25 साल हो रहे हैं कारगिल विजय दिवस के, तो सोचिए जो 24 साल का लड़का जिसने अपनी जान दी, अगर वो आज हमारे बीच में तो 50 टच करने वाले होते। तो मैं बात कर रहा था विजयन जी की, जब वो फाइनल असॉल्ट में जाने लगे उन्होंने जो पत्र लिखा अपने, उसमें उन्होंने दो चीजें बड़ी मार्मिक कही। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरा अगला जन्म भी हो तो हे ईश्वर मुझे सैनिक बनाना ताकि मैं देश के लिए अपनी जान दे सकूं। और दूसरी बात जो उन्होंने उसके अंदर लिखी वो मैं अक्सर याद करता हूं कि एक बार कभी आकर के देखना इस भूमि पर कि किस तरह से हमने इस लड़ाई को लड़ा। मतलब जो वहां पर जो वेदर था, मतलब माइनस में जा रहा था और इतना टफ टेरेन था, गोली कहां से आती थी कुछ पता नहीं है, आपके साथी आपके साथ चल रहे हैं गोली लेके ठान नहीं थे। आज योगेंद्र जी नहीं आ पाए हमारे बीच में क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ आईसीयू में और सीरियस कंडीशन में, तो वो जब कारगिल की अपनी गाथा सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो बताते हैं कि कैसे मतलब उन्होंने टाइगर हिल पे जब कब्जा कर रहे थे कैसे लड़ाई लड़ी, और वैसे जब संजय साहब आज अपना बताएंगे कैसे लड़ाई लड़ी, वो भी एक आपके लिए बहुत ही मतलब की लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा।
एक परमवीर चक्र को मैं बता देता हूँ, हमारे 140 करोड़ के देश में जो लिविंग पीवीसी है ओनली 3 है, टोटल 21 है, लिविंग 3 है, और कारगिल वॉर के 2 है जो लिविंग है, योगेंद्र यादव जी आएंगे और हमारे श्री संजय कुमार जी। तो ये लोग जो है ये रियल हीरोज है, रियल हीरोज को हमें समाज को बताना है कि ये रियल हीरो भैया, ये जो मैं किसी नायक का नाम नहीं देना चाहता बॉलीवुड के कि ये हीरो है, ये हीरो नहीं, वो हीरो नहीं है आपके, ये लोग असली हीरो है जिन्होंने लड़ाई पर लड़ने जिस, मतलब मैं ये मानता हूं कि विजय थापर जी को 100% उसे पता था कि आज का जो असॉल्ट होने वाला है उसमें उनकी जान नहीं बचेगी, तभी उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें लिखा द लास्ट लेटर, मतलब जब तक आपके हाथ में डियर मम्मी पापा, जब तक आपके हाथ में पत्र होगा स्वर्ग की अप्सराएं मेरी सेवा कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, मतलब आप कभी इमेजिन करके देखिए कि आप कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि यार 2 घंटे बाद तो आज मतलब मरना मारना हो जाएगा, तो कितना जज्बा चाहिए उसके लिए, कितनी मतलब की साहस चाहिए उसके लिए, और ये साहस सिर्फ विजयंत जी ने नहीं दिखाया, हमारे आर्मी के सभी जवानों ने दिखाया, और मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सभी 527 शूरवीरों को नमन करता हूं, और इस किताब को मैंने उन सभी 527 शूरवीरों को समर्पित किया है जिन्होंने कारगिल में किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को कौन नहीं जानता, उनके नाम तो अब तो उनपे फिल्म आ गई, तो मेरे ख्याल थैंक्स टू द प्रोड्यूसर जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए जिससे कि बड़ा माइन्यूटली पता चलता है कि कैसे किसने प्रेरणा ली, कैसे वो लोग युद्ध में गए, कैसे लड़ाइयां लड़ी, तो एक फेयर आइडिया विक्रम बत्रा जी के जीवन के बारे में हमें पता चला, और उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये तो आप सभी को मालूम ही है। और जो मैं बताता हूं आपको कि जो कॉमिक मैंने बनाई है, कॉमिक जो बनाने का जो विचार मन में आया वो ये आया कि आज की डेट में हम सब बुक्स के फंक्शन में जाते हैं, बुक्स खरीद भी लेते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली और जो है ऑनेस्टली कितने लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है 10% लोग भी नहीं पढ़ते। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बोल दीजिए। तो जब बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा, आज हर हाथ में मोबाइल इसलिए क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है, माँ बाप किताब पढ़ेगा तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा, तो किताब पढ़नी है सरा आगे आगे। तो ये कॉमिक की जो विधा मैं लेकर के आया वो इसलिए लेकर के आया बच्चों को पता चले कि कैप्टन विजयंत थापर कौन थे, मनोज कुमार पांडे जी कौन थे, कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे। अगले साल 25 साल कारगिल युद्ध को हो रहे हैं, और आज मैं आप सबसे वायदा लेना चाहता हूं कि हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप उनको अपने पास बिठा करके उन वीरों के बारे में बताएं और उनको प्रेरित करें कि कम से कम उनकी लाइफ के बारे में जाने, और उनको प्रेरित करें कि देखिए ये कितने यंग लोग थे आज, मतलब 22-23-24 साल के लड़कों को हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं अभी तो बच्चा है, लेकिन क्या ये बच्चे नहीं थे जो गए 22-23 साल 24 साल। मतलब सौरभ कालिया जी का मेरे मन में बार बार आता है कि उनके भी मैंने कॉमिक बनाई, हालांकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनको कोई वीरता चक्र से सम्मानित नहीं किया गया, ये मेरे मन में बहुत पीड़ा है कि उनको करना चाहिए, लेकिन ठीक है सरकार की कुछ नीतियां होती है, अपनी पॉलिसीज होती है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन जो सौरभ कालिया जी के परिवार से जब मैं मिला हिमाचल प्रदेश में, तो आज भी जो उनके फैमिली की जो फीलिंग्स है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मैं कम से कम एक चीज तो आप सब आज ये एक और वायदा करके जाइए कि साल में एक बार आपके मोहल्ले में जो भी शहीद का परिवार है ना, एक साल में एक बार उनके पास जाकर के उनका हालचाल जरूर पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं, आपके पुत्र ने देश के लिए जान दी, हम कृतज्ञ हैं आपके, कभी कोई काम हो आप हमें बताइए। ये तो हम कर सकते हैं, और ये ऐसा नहीं कि मतलब
बहुत जगहों पर हमारे दिल्ली में ही कितने हैं, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप दिल्ली मेट्रो में काम करता हूँ, और मेरे से जो शख्सियत है वो बहुत ही खाइंड है मेरे ऊपर, कि मैं जब भी उनसे इस तरह की कोई बात करता हूँ, कोई प्रपोजल देता हूँ, जैसे हमने अपने मेट्रो स्टेशन का नाम मेजर मोहित शर्मा के नाम पर रखा जो गाजियाबाद के पास, हमारे अनुज दयाल सर बैठे हुए यहाँ पर जो हमारे पीआर के हेड है, ये खुद एक आर्मी फैमिली से आते हैं, जब भी मैं इनके पास कोई प्रपोजल लेकर के जाता हूँ, सर ये कार्यक्रम करना है, शहीदों के लिए करना है या किसी के लिए करना है, ये दूसरा सेकंड नहीं लेते हैं, उस पर हाँ करते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। तो कुल मिलाकर के जो चित्रावलियां हमने बनाई है, जो सात हमने लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई किए, और अभी पीयूजी पेपर निरंतर हमारी चर्चा चल रही है कि अगले साल जब हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, तो हम कम से कम और 10-15 कॉमिक्स लेके आए और उनको इंगित करें, उनको पॉइंट आउट करें कि और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी हमें जीवनियां देकर के आनी चाहिए। और हमारे जो मोहित गुप्ता जी बैठे हुए, ये फ्रेंड्स ऑफ बुक्स एक क्लब चलाते हैं, तो मोहित जी का भी एक बड़ा अच्छा ये स्टोरी टेलिंग करते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग जो है, मैं तो कहता हूं कि हर आदमी स्टोरी टेलिंग कर सकता है। हमारे मुख्य अतिथि 5 मिनट में हमारे बीच में होंगे, तब तक मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। तो ये सब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्टोरी टेलिंग है, मतलब हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी सभी स्टोरी टेलिंग करते हैं, क्या हम आज इतने व्यस्त हो गए हैं अपने मोबाइलों में कि हमें अपना स्टोरी टेलिंग का ही टाइम नहीं है? तो स्टोरी टेलिंग के लिए जो आज 55 साल वाले, 50 साल वाले, मतलब मैं भी 50 नहीं मान लेता हूँ अपने आपको, तो हमें बच्चों को पकड़ पकड़ के कहानियां सुनाते हैं, ठीक है? और अगले साल जब हम कारगिल विजय दिवस बना रहे हो, तो हर फैमिली में हर बच्चे को पता हो कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे, विजय थापर कौन थे, संजय कुमार साहब की गाथा बताओ, योगेंद्र जी की गाथा बताओ, मतलब एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। जैसे हम नोएडा में विजय थापर मार गए, तो हम जब लोगों से पूछते हैं कि आप जानते हैं विजय थापर जी कौन थे, कहते यार नाम तो सुना हुआ है, यही पूछो सलमान खान को जानते हो, बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा दिवस था। तो ये जो बदलाव लेकर के आना है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो ये बदलाव लाना, ये बदलाव मेरे या सिर्फ आपके प्रयास से नहीं होगा, पूरी जो हमारा समाज है उसको लगना पड़ेगा इसके, तो इसमें हम प्राइड फील करें और जब अपने बच्चों को बताएं। और मेरा प्रयास यही है जो मैंने इस किताब को लिखा, और इट टुक सेवरल इयर्स इन कंपाइलेशन, तो मेरी ये यात्रा है 25 साल के जो युवा से लेकर के 48 साल के, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जर्नी है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पुस्तक पसंद आएगी, और एक बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, ये किताब भावों से भरी है, मतलब कि आप अगर इसके अंदर कुछ खोजेंगे कि ये टेक्निकली ये नहीं है, टेक्निकली वो नहीं है, इसमें भाव उडेर उड़े थे बाल्टिया भर भर के भाव। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अब हम 5 मिनट में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम विधिगत रूप से स्टार्ट करते हैं। तो आप तब तक सैनिकों के प्रति आपका समर्पण और निष्ठा, इसी बात से प्रतीत होती है कि आप तोलोन में गए, आपने टाइगर हिल पे जाने का संकल्प लिया, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, मैं
प्रभात प्रकाशन के पीयूषी से आग्रह करता हूँ कृपया आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आइए, धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतिहास बना है। रविवार के दिन ये हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था और काफी लोगों को खड़ा होना पड़ा, उनके लिए उनको कष्ट हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऋषिराज जी और हम जब कार्यक्रम की योजना बना रहे थे तो शनिवार के दिन हम लोगों ने चूज किया था कि शनिवार को कार्यक्रम करेंगे, पर हॉल उपलब्ध ना होने के कारण से रविवार को करना पड़ा। और सहयोग देखिए कि माननीय मंत्री जी का कल जब ना आ गया था तो बड़ा हम लोग हतोत्साहित थे कि अगर वो रहते तो कार्यक्रम में बड़ी कृपा होती, पर आज सुबह ये सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी रहेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ गया। तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत और धन्यवाद है कि आपने इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आप उस कार्यक्रम में मौजूद हुए, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद है माननीय। प्रभात प्रकाशन का सदैव से कोशिश रही है कि हम भारत के वीर बांकरों के बारे में और सेना के बारे में अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करते रहें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। 1971 के बार की स्टोरीज को हमारे पिताजी श्री श्याम सुंदर जी ने जनरल मानक शाह के साथ समक्ष प्रस्तुत भी की थी पुस्तकें, और वो एक सिलसिला आज भी चला आ रहा है। और शायद बहुत कम हिंदी के प्रकाशक हैं जो इस विधा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं, और हमें हमारा सौभाग्य है कि ऋषिराज जी उसमें हमारा साथ दे रहे हैं और वो लगातार लेखन कर रहे हैं, वो हम छाप रहे हैं। और ऋषिराज जी ने जो ये पुस्तकें चित्रावली बनाई वो बहुत मेहनत से बनाई। संतोष जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत, संतोष जी केवल एक चित्रकार नहीं है, वो उन्होंने बहुत पैशन के साथ काम किया है, मतलब वो बार बार चर्चा करते थे और जिया है उन्होंने, और वो आज आए हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मंचा सिंह सभी लोगों में जनरल कार्तू यहाँ मौजूद है। जनरल कार्तू से मेरी मुलाकात वर्ष 2002 की है, प्रथम बार वो पहली बार मुझे पता लगा कि वो एम्पेटेड लैग के साथ है, वो बस से हमारा ऑफिस ट्रेवल करके आए थे। हम पहली पुस्तक उनकी परमवीर चक्र के ऊपर प्रकाशित की थी, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। और 1971 की बाढ़ स्टोरीज के ऊपर एक किताब उनकी जल्दी आने वाली है, उसके प्रूफ तैयार है जनरल साहब के लिए, तो वह अप्रूव कर देंगे तो वो पुस्तक प्रकाशित होगी। और वो भी पुस्तक विलक्षण पुस्तक है, उसमें जो स्टोरीज हैं 1971 की वार की स्टोरीज हैं, उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रोमांच पैदा हो जाता है कि कैसे वो वार लड़ी गई थी कितने कम साधनों के। आज तो टेक्नोलॉजी और संसाधन बहुत मौजूद हैं। कर्नल थापर और तृप्ता आंटी का बहुत उनको बहुत आशीर्वाद मिलता है कि वो लगातार हमको बहुत सहयोग करती हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने पूरा इसको देखा, इस पूरे कार्य उसको और झेला है, जैसे उनके परिवार ने, हम नमन करते हैं उनको और धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ पीवीसी सुबेदार जी भी हैं, वो जीवंत हैं और जीवित व्यक्ति हैं हमारे साथ में। उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही, आज तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला, उनकी एक अपनी शैली है, पर वो स्टोरी उनकी बहुत मार्मिक है। वो पढ़ें तो आपको लगेगा कि कैसे इस व्यक्ति ने कैसे क्या किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नूतन दीदी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी कम शब्दों में बोला, उनके पिता उनकी, हम लोगों ने विक्रम बत्रा जी की पुस्तक जीवनी प्रकाशित की थी जो श्री जी एल बत्रा जी ने लिखी है, उनके पिताजी ने, तो अधिकृत जीवनी है एकदम कि एक पिताजी ने एक पुस्तक अपने बेटे के बारे में लिखी है। और यहाँ पर श्री आर बी सिंह जी मौजूद हैं, श्री अनुज दास जी मौजूद हैं, DMRC के अधिकारीगण मौजूद हैं, क्षेत्रपाल जी ने अपनी पूरी बात बताई, बहुत अच्छा लगा। अजय जी हैं, अलका ओझा जी हैं, द्विवेदी दीदी हैं, तो आप लोग सब यहाँ जो मौजूद हैं रविवार के दिन जो आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभात प्रकाशन साल भर में शायद हम 50-60 लोकार्पण कार्यक्रम करते हैं, पर जिसे बोलना चाहिए कि जितनी तालियां आज इस कार्यक्रम में गूंजी हैं और मन से जो गूंजी हैं तालियां, और जो जोश देखने को मिला है, ऐसा बहुत कम कार्यक्रम में होता है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें हमारे राजनीति या पॉलिटिक्स या साहित्य कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ जज्बा और वो जुनून देखने को नहीं मिलता जो इस कार्यक्रम में आज देखने को मिला। आप सभी लोग रविवार के दिन शाम को अपना घर का कष्ट, घर का आराम दे छोड़ के आप आए हैं, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद, इस हॉल के व्यवस्था में जो लोग लगे रहे, DMRC की टीम ने मदद की, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग हौसला अफजाई करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।